All right. Hello, everyone. So today's session is to understand, just to understand how's our preparation going on. Exactly 30 days is remaining for the examination. What is the highest score coming up in the mock test? Section wise, कैसे जा रहा है? क्या-क्या problems आ रही हैं? Let's discuss in detail. सबसे पहले तो मुझे बताओ कि how's the what what is your mock test mock test score? Highest mock score क्या चल रहा है? और कितने लोगों ने mock test नहीं लिखा है अभी तक? और कितने लोगों ने लिखा है तो क्या स्कोर बन रहा है वॉट इज हाइएस्ट स्कोर कितने मॉक लिखे अभी तक और हाइय स्कोर क्या बना है के ऊपर जा रहा है very nice. What about others? 400 के ऊपर जा रहा है, ओके okay, अपने को आई में अच्छे वाले में जाना है तो भाई सिक्स फिफ्टी प्लस या तो फिर 700 के ऊपर का पकड़ के चलो बेसिकली पांच 500 के अंदर की रैंकिंग आ रही है तो आई मुंबई और 200 के अंदर की रैंकिंग आ रही है तो आई दिल्ली और थाउजेंड के अंदर की रैंकिंग आ रही है तो आईच बैंगलोर सिंपल है ना सो so, जितने लोग ने पहले तो मॉक नहीं लिखा हुआ आपके डैशबोर्ड में दस मॉक है मॉक लिखना चालू कर दो ठीक है एंड डू डिटेल एनालिसिस ऑफ योर मॉक कि कहाँ-कहाँ लैक कर रहे हो पे आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो स्कोर जहां, जहां बन रहा है आपका बिकॉज़ मे बी आपका स्कोर कम आए डीमोटिवेशन आए गिव अप करने का मन करेगा या यार, मतलब कि मॉक लिख के स्कोर कम आता है तो मॉक नहीं लिखना ये फीलिंग आएगी बट होल्ड दैट फीलिंग डोंट लेट डोंट

से कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेगा टेंशन तो बन बन में था प्रेशर में था पैनिक था मैं नहीं कर पाया दूसरा जो क्वेश्चन आपने सोल्व किया टाइम दिया आपने और गलत हो गया सो देर आर टू लॉसेज मार्क्स का भी लॉस है टाइम का भी लॉस है और निगेटिव मार्क्स में तो ये भी ध्यान रखना तो वो क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए तो क्यों गलत हुआ

तो जीके के वीडियोस आपके डैशबोर्ड पे अवेलेबल है काइंडली गो एंड वॉच ऑल द वीडियोस ठीक है अभी आते हैं सेक्शन पे बात करते हैं है ना ये है आपका थर्टी 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 सॉरी ये आपका सिक्सटी है ये आपका फिफ्टी है और ये आपका थर्टी है है ना सबसे ज्यादा वेटेज इंग्लिश का है सर्विस सेक्टर में एनीवे आप आराम से फोर्टी प्लस जाओगे ठीक है आपके मॉक के सारे क्वेश्चन कर लेना बिकॉज़ लास्ट ईयर डायरेक्ट क्वेश्चन रिपीट हुआ था आपके एग्जाम तो अच्छा, अच्छा, अच्छा है तो आप अच्छा करोगे यहाँ पे जितने लोग का मैथ्स वीक है प्रैक्टिस करना चालू कर दो प्रैक्टिस इज द ओनली सोल्यूशन फॉर द मैथ्स बाकी लॉजिक में जितने तो लेक्चर्स अपने हुए हैं उसके उसको वो थ्रू करो और बाकी शॉर्टकट्स वगैरह बिकॉज ट्रेडिशनल में काफी अच्छे शॉर्टकट्स हैं जीके आपको जितना हो सकता है खुद टाइम देके पढ़ना है बिकॉज इट इज अ वास्ट एरिया बाकी सब इस मोर ऑफ अ कॉमन सेंस तो गेम चेंजर जो सेक्शन होगा ना वो होगा मैथ्स जीके थर्ड पे इंग्लिश ओके okay. आदित्य मैथ्स के क्वेश्चन फर्स्ट थर्टी क्वेश्चन दो से तीन बार सोल्व डालो सेम टाइप के रिपीट होगा हो याद नहीं रहते होंगे आई कैनस्टैंड क्वेश्चन एंड यू सोल्व द सेम मेथोलॉजी देन यू विल रिमेंबर द शॉर्टकट सो एक बार शॉर्टकट सीख लिया उसके बाद मस्त में बाद में मतलब अप्लाई नहीं किया तो फिर तो भूल ही जाओगे राइट यू नीड टू अपलाई सेम शॉर्टकट मल्टीपल टाइम विद रिस्पेक्ट टू द्वेश्चन है ना तो बात बनेगी। है uh, है ना ना करो कि पहले तो order of attempt क्या होना चाहिए आपका वो चीज, किस ऑर्डर में आपका एग्जाम मॉक दूसरे पे इंग्लिश कर लो तीसरे पे लॉजिक कर लिया फोर्थ पे सर्विस सेक्टर कर लिया पांचवे पे मैथ्स uh, कर लिया है ना तो फर्स्ट आपका जीके फिर सेकेंड नंबर पे इंग्लिश थर्ड पे लॉजिक फोर्थ पे सर्विस सेक्टर

राउंड वन में सारे के सारे इजी लेवल के क्वेश्चन पूरा सॉल्व करो मान लो कि ये क्वेश्चन करने के के लिए आपने डिसाइड दिस, किया कि मैं मिनट्स मिनट्स का टाइम टाइम दूंगा तो और बचे हुए दस मिनट राउंड थ्री राउंड वन में आपने पूरे के पूरे सिक्सटी क्वेश्चन देख लिए इजी लेवल वाले क्वेश्चन सॉल्व भी कर लिए राउंड टू में जो क्वेश्चन थोड़े टाइम लेंगे वो आपने कर वो होना जो आप वैसे भी वाले वो थे या तो आप शोर नहीं हो, है ना? वो होना चाहिए राउंड थ्री में, तो में डिवोट कर बिकॉज राउंड टू और राउंड टू में आपके अटेम्प्ट ज्यादा होंगे मैक्सिमम आप अटेम्प्ट करोगे और स्कोर यहाँ पे बनेंगे आपके ठीक है तो भी लिखना चालू कर रहे हो राउंड तो अच्छा राउंड वाइज लिखो और मॉक को तो थोड़ा सीरियसली लिखो ये मेरा एक्चुअल जेबी एग्जाम है बेडरूम लॉक रहे फोन साइलेंट पे कर दो और सीरियस होकर मॉक लिखो ठीक है ये ये कि ये मेरा एक्चुअल एग्जाम है ठीक है वैसे ही राउंड वन राउंड टू राउंड थ्री है ना फॉर मैथ्स इजी लेवल वाले क्वेश्चन आपका राउंड वन अभी थर्टी क्वेश्चन सोल्व करने के लिए यार मैथ्स सबका टाइम लेता तो थार्टी मिनट्स का टाइम मैं बोलता हूँ थर्टी मिनट्स ले लो और मॉडरेट लेवल वाले क्वेश्चन राउंड टू राउंड थ्री वो होना चाहिए जो मैं छोड़ने वाला हूँ टफ वाले क्वेश्चन आठ वाले क्वेश्चन है ना वैसे ही आपका लॉजिक लॉजिक के थर्टी क्वेश्चन आई थिंक ट्वेंटी फाइव मिनट इज मोर देन सफिशियंट ठीक है टाइम डिफाइन कर देते हैं लेट्स से कि इसको मैंने फोर्टी फाइव मिनट दिया यहाँ पे थर्टी मिनट्स दिया मैंने और ये पच्चीस मिनट दे रहा हूं मैं तो ट्वेंटी फाइव मिनट्स दिस इज वॉट एटी एटी प्लस वन टेन हो गया दस वन ट्वेंटी वन ट्वेंटी हो गया बच्चे हो गए मतलब फोर्टी मिनट्स यहाँ पे दे, दे सकते हो बाकी का जो टाइम बच रहा है आप या इंग्लिश में दे दो या तो मैथ्स में दे दो टाइम ज्यादा देना तो दे सकते हो क्योंकि तो आपके पास टाइम के तो कोई टेंशन ही नहीं है एक सौ अस्सी मिनट बहुत होते हैं भाई

और उसको सेक्शन सेक्ष, के अंदर भी आपने राउंड वाइज डिवाइड कर दिया पेपर आपने इजी बना दिया ठीक है और फिर आपने पेपर को अटेंड किया ठीक है इस तरह से सॉल्व करोगे तो आपको थोड़ा सा इजी लगेगा पेपर और एनालिसिस अच्छे से करो तीन घंटे का पेपर है चार घंटे लगाओ एनालिसिस में जिस दिन मॉक लिख रहे हो संडे मतलब मॉक टेस्ट एवरी संडे शुड राइट मॉन मॉक टेस्ट विदाउट फेल मुंबई पांच सौ के अंदर की रैंकिंग चाहिए तो साढ़े छे सौ के आसपास का स्कोर सिक्स हंड्रेड के आसपास uh, के आसपास पकड़ के चलो कट ऑफ डिपेंड करता है दो चीज पे कितने लोग एग्जाम लिख रहे हैं और उस साल का पेपर कैसा है टफ ज्यादा है तो कट ऑफ नीचे जाएगा ऐसा होता है ठीक है तो इतना काम अपने को करना है और क्या प्रॉब्लम आ रही है बताओ मुझे चौबीस क्वेश्चन है ट्वेंटी फाइव राइट हो रहा है तो अवले फिर तो बहुत आप ऐसे भी सॉल्व करोगे तो यार थर्टी फाइव के तो पर कहीं नहीं गया आउट ऑफ फिफ्टी सी कि क्या गलती कर रहे हो आप बिकॉज अ कॉमन सेंस सर्विस सेक्टर में चालीस करेक्ट थे चालीस राइट हो रहा बोलो मतलब तो ना पैंतीस के ऊपर तो आप जाओगे ही जाओगे

बट आई वॉन्ट की अगर टफ एग्जाम आ गया तो मैनेज लोगे अगर आपका पेपर इजी आ गया तो आप फोर्थ तो हो गए इसमें देखते क्या बात है सही है हाँ, में थोड़ा सा होता है ऑप्शन बी भी लग रहा है तो मोस्ट अप्रोप्रियट उसमें ऐसा सही गलत नहीं है जो सबसे एक गो फॉर इट इंग्लिश एज सच कोई टॉपिक uh, नहीं है कि हम पढ़ के टॉपिक uh, पढ़ के स्कोर आ जाएगा इंग्लिश के लिए रीडिंग इज इम्पोर्टेंट इंडियन एक्सप्रेस न्यूज पेपर रीडिंग चालू कर दो पेज वन एडिटोरियल पेज दूसरा ग्रामर पे थोड़ा सा फंडामेंटल अपना अच्छा करो तीसरा वो कैप के लिए वर्ड पा मेरे सारे वीडियो डैशपोर्ट पे अवेलेबल है दो बार दबा के देख लो इतना काम आपको करना पड़ेगा अगर इंग्लिश में स्कोर लाना है बिकॉज सिर्फ टॉपिक पढ़ के स्कोर नहीं बनेगा आपका तो मैंने जितना बताया हुआ है इतना चालू करो एंड देन विल सी कितना uh, देखो कितना इंप्रोवाइजन हो रहा है आपके स्कोर के अंदर ठीक है सो अभी भी हमारे पास एक महीने का टाइम है और हम अच्छा इंप्रूव कर सकते हैं जितना मैंने बताया उसको फॉलो करो मॉक लिखना सबसे पहले चालू करो जीके पे एग्रेसिवली काम करो आपका जो सेक्शन में स्कोर नहीं बनेगा वो है जीके इंग्लिश एंड मैथ्स ठीक है तो यहाँ पे मेहनत ज़्यादा करो ठीक है